ज्यादा ट्रक चलाते हैं, बसेस चलाते हैं, वो लगातार बैठे रहते हैं और इंजन उनके आसपास ही रहता है, तो काफी गर्मी रहती है उस एरिया में। तो जब भी आपके बटक एरिया में ज्यादा गर्मी रहेगी या आपको आपको लगातार बैठना है, तो वो जगह ना हमेशा दबी हुई रहती है, और इसलिए वहां की जो वेन्स हैं या वहां के जो म्यूकस स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने लगता है और वो पाइल क्रिएट करता है। अगर मैं थोड़ा क्लासिकल आयुर्वेद में जाऊँ तो लगातार बैठे रहने के कारण वहां पे वात वात वृद्धि होती है। तो बहुत से लोग को ये होता है जब वो मोशन करने जाते हैं ना, तो शुरुआत का जो अंश है या शुरुआत के जो मोशन है वो काफी कड़ा आता है, फिर उनको स्मूथ मोशन होता है। तो ये वात के कारण है, ये वात की वजह से होता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग में ये परेशानी देखी जाती है। डायरिया में लगातार मोशन होने की वजह से कुछ ऐसे सब्सटेंस रहती हैं वहां की जो आपकी लेयर है या वहां की जो स्किन है, वहां की जो त्वचा है वो काफी काफी सॉफ्ट रहती है, वो जल्दी डैमेज हो जाती है और जल्दी इरिटेट होके वो भी पाइल स्टेट करके। लो फाइबर डाइट, जैसे मैंने बताया कि लोग पानी भी कम पीते हैं, या फाइबर जो हमारे मोशन को स्मूथ बनाता है या फिर आसानी से बाहर निकालता है, इंस्ट्रिटेंट को हमारे ताकत देता है, तो ये चीजें भी कम खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होकर के पाइल्स होगा। एक्चुअली ये बनता साइकिल है, जैसे पाइल्स है, पाइल्स से पहले कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा, उसके पहले आपको डाइजेशन अल्टर होगा ही होगा, उसके पहले आपने कुछ किया होगा, तो ये एक ना साइकिल बनता है। एक ऐसा नहीं कि आपने आपने आज 10 घंटे बैठे और कल आपको पाइल्स हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सबसे पहले कोई ना कुछ पैथोलॉजी बनेगी, धीरे 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 वो जा करके पाइल्स होगा। प्रेगनेंसी में जैसे कि मैंने बताया, प्रेगनेंसी में लेटर स्टेज में 4 या 5 मंथ के बाद में जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ने लगता है, तो उसके नीचे के जितने ऑर्गन है उन पर ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, हथेलियों पे प्रेशर पड़ने लगता है, तो वो चीजें फिर पूरी बाहर नहीं निकलती है, या फिर कई बार वात वृद्धि होती है और कॉन्स्टिपेशन होता है, तो पाइल्स को जनरेट करता है। इसके बाद है प्रोलॉन्ग सिटिंग ड्यूरिंग बवल मूवमेंट। ये एक्चुअली बोलना चाहिए दो दो चीजें हैम्पर होती है इससे। अभी जो हमारे इंडिया में वेस्टर्न बोलना चाहिए कमोड्स जो यूज करते हैं हम लोग, वो बहुत ही खराब एक चीज है। उसमें जब आप जब भी बैठे तो देखिएगा, आप आपके बैठने में और धरती में 90 डिग्री का एंगल बनता है। हम यूं बैठते हैं, ये हमारी बॉडी रहती है और एक ये सरफेस ऐसी रहती है कमोड की, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। जबकि जब हम इंडियन अगर इंडियन सीट पे हम बैठे उत्कटासन में, उकड़ू बैठना जिसको बोलते हैं, उसमें अपना 45 डिग्री का एंगल बनता है। आप कभी गौर करिएगा, ये जो दोनों एंगल है इन दोनों एंगल में बवल मूवमेंट में काफी फर्क पड़ता है। जब आप 45 डिग्री के एंगल में बैठते हैं तो आपकी हथेलियां पूरी खाली होने लगती है। सेकेंड थिंग क्या होता है, जब हम 90 डिग्री के एंगल में बैठते हैं तो हथेलियां उतनी खाली नहीं होती, इवन दो आपके पूरे गैसेस भी पास नहीं होते हैं जब आप 90 डिग्री के एंगल में बैठते हैं। सेकेंड थिंग अभी हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे ही हम लोगों ने कमोड वाला कल्चर अपनाया है तो वो सिटिंग कल्चर हो गया, तो हम लोग पेपर लेके जाएंगे, हम मोबाइल लेके जाएंगे, तो कई बार ना ध्यान नहीं रहता है कि हम आए क्यों हैं, हम अपने मोबाइल में उसमें, तो आपके ब्रेन का और वहां की मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो इंटरप्ट होता है। आप प्रॉपर आप बोलना चाहिए कि आपकी हथेलियों को ये नहीं पता होता कि हमको बॉल पूरा क्लियर करके देना है। दे आर लाइक कि हाँ चलो ठीक है, आप जिस काम से आए थे वो आधा अधूरा हुआ और आगे निकल गए, ऐसा होता है। तो इसलिए भी आप जब भी जाएं, मेरी रिक्वेस्ट है कि मोशन को मोशन जैसा ही करें। कोई टूर नहीं है कि आप वहां पर पेपर लेके जा रहे हैं या फिर आप मोबाइल लेके जा रहे हैं। और कोशिश करें अगर कमोड में भी बैठ रहे हैं तो कुछ एक ऐसा पीढ़ा लें या फिर कोई भी ऐसा चीज लेकर के अपने 45 डिग्री का एक एंगल बनाए, पैर को थोड़े ऊपर करके 45 डिग्री का एंगल बनाए, जिससे ना मोशन इजी क्लियर हो सके आपका। इसके बाद हम अब सॉल्यूशन में जाते हैं कि सॉल्यूशन पार्ट क्या है इसका। तो सॉल्यूशन पार्ट के लिए ही हम इतनी बड़ी मीटिंग करें कि हमने गो पाइल्स नाम की एक टेबलेट टैबलेट ना बोलना अच्छा नहीं रहेगा, एक पूरा पैकेज है ये, कि आपको ये जो चीजें हैं आगे जितने भी कॉजेज पे हमने बात किया है उस उन चीजों को पूरा कवर करता है। मैं अभी तक 6 से 8 महीने हो गए मैं डेजो के साथ काम करूं, इनकी कोई भी प्रोडक्ट, मैं पर्सनली बोलता हूँ कि इनका कोई भी प्रोडक्ट आपका सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट पे काम नहीं करता, वो उस पूरे ऑर्गन को पकड़ के रखता है, उस पूरे एक ना ये करके रखता है कि हाँ भाई आपको हर जगह अलग अलग चीजें लेने की जरूरत नहीं, कि भाई अगर फाइल्स है तो फाइल्स की अलग दवाई ले रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन की अलग दवाई ले रहे हैं, फाइबर्स अलग लेने पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमको हर ये चारों चीजों से कवर करके देता है। अब हम देखेंगे कि ये आगे है क्या इसमें। गो पाइल्स टेबलेट हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ डिसकम्फर्ट एसोसिएट विथ पाइल्स एंड फिस्टुलास। एक्शन, इट इज एन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन कम्पोज ऑफ सेवरल हर्ब्स दैट कम्प्रिहेंसिव वर्क टू प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम द डिसकम्फर्ट एसोसिएट विद द पाइल्स एंड फिस्टुला। इट ऑल्सो हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ डिसकम्फर्ट लाइक इचिंग, स्वेलिंग एंड प्रिकिंग कॉज्ड बाय पाइल्स। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का ये मतलब है कि जब भी हम इस
मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं, किसी पेशेंट को देते हैं, तो ये सिर्फ आपके तुरंत के पेन को तो कम करेगा ही करेगा, वो तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, लेकिन इसके साथ जो भी पैथोलॉजी बन रही है उनको भी मेंटेन कर देगा। साइड बाय साइड जो एडिशनल सिम्टम्स आते हैं, लाइक जैसे इचिंग है, स्वेलिंग है, प्रिकिंग पेन है, और जो भी फर्दर प्रॉब्लम्स आती है उनको भी मेंटेन करके देगा। अब ये क्यों करेगा? क्योंकि इसमें हम लोगों ने ऐसी हर्ब्स कॉम्बिनेशन डाला है जो चारों साइड से कवर करते थे, जैसे बकेन है, सूरण है, चव्य है, हौबेर है, हरड़ है, निशोथ है, नागकेशर है, दारू हल्दी है। ये अगर हम सिंगल सिंगल भी जाएं तो एक एक चीज भी आपके डाइजेशन पे काम करती है, और अगर हम एक साथ मिला करके भी जाएं तो भी काम करती है। जैसे कि आपका सूरण है, सूरण एक्चुअली जिमीकंद है, बहुत से लोग इसे सब्जी खाते हैं। नागकेशर है, नागकेशर एक ब्लड प्यूरिफाइंग ड्रग है, बहुत से लोग जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो आज ही बहुत सारे व्यक्ति इसको मक्खन के साथ में देते हैं, नागकेशर को मक्खन के साथ में 2 बार लें आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। निशोथ है, ये आपके बाउल मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, पित्त विरेचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, मृदु विरेचक माना जाता है इसको, कि आपके मोशन अच्छे से होते हैं। हरड़ भी, हरड़ मेरे को हरड़ को बताने की जरूरत ही नहीं है, हर आदमी हरड़ के बारे में जानता है कि हरड़ होती क्या है। हाउबेर है, हाउबेर एक ठंडी दवाई होती है, इसको मोस्टली यूनानी लोग यूज करते हैं, अभी तक मैंने इसका प्रयोग मोस्टली साउथ और महाराष्ट्र में देखा है। इसके बाद है सूरण, तो मैंने बताया आपको, चवे, चवे जो है वो थोड़ी सी अगर हम आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो उष्ण तीक्ष्णति, मतलब आपकी ना आपके डाइजेशन को स्टिमुलेट करती है, ये डाइजेशन आपका हो भी अच्छे से और आपको भूख अच्छी लगे, दोनों पर काम करती है। तो ये सिंगल सिंगल ड्रॉप, अब हम जब इन सभी चीजों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या एक्शन आते हैं हम आगे देखेंगे। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं भाई? सबसे पहला है हेल्प टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इचिंग, इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन। भाई जब भी पाइल्स होगा तो उसमें आपको इचिंग होगी ही होगी, क्योंकि पित्त वृद्धि होती है, आपको इरिटेशन होगा ही होगा, बिकॉज दोनों साइड से फिजिकल इरिटेशन भी होती है, मेंटल इरिटेशन भी होती है, बिकॉज वो जगह ही ऐसी, आप बैठ नहीं पाते हैं, आप उठ नहीं पाते हैं, प्रॉपर चल नहीं पाते हैं, अपना पूरा काम बराबर नहीं कर पाते हैं, डेली लाइफ हैम्पर होने लगती है, तो ये दोनों साइड से इरिटेशन कॉज करता है, उन चीजों पर काम करेगा। सेकेंडरी है हेल्प इन डाइजेशन, एपेटाइट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जैसे मैंने बताया, रिलीव्स वात एंड कफा रिलेटेड इश्यू, दस मेकिंग एवोकेशन ऑफ बवल पेन फ्री। जैसे निशोथ है और हरड़ है, ये दोनों आपके बवल मूवमेंट मतलब मोशन को स्मूथली बाहर निकालेगा। चव्य है, चव्य आपके, चव्य और हाउबेर है आपके, ये दोनों डाइजेशन को भी अच्छा करेगा और एपेटाइट को भी बढ़ाएगा, लास्ट स्लाइड में मैंने बताया। इसके बाद इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू हिमोरॉइड्स। मैंने नागकेशर के बारे में बताया कि नागकेशर आप अभी लोग मक्खन के साथ बहुत लोग यूज करते हैं, तो ये हिमोरॉइड्स में जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है ना, कई बार आदमी को एचबी कम पड़ जाता है, एचबी कम हो जाता है उनसे, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने से बॉडी ब्लैक होने लगती है, एनीमिक होने लगता है पेशेंट, तो उन चीजों पर भी ये मेंटेन करके रखेगा। हेल्प टू मैनेज ब्लीडिंग एंड लोअर रेक्टम इरिटेशन, मैंने इसलिए बताया नागकेशर और आपका हाउबेर है। सपोर्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ पाइल्स लाइक बर्निंग सेंसेशन एंड प्रिकिंग एंड स्वेलिंग। तो हाउबेर हो गया, सूरण हो गया, नागकेशर हो गया, ये चीजें आपकी जो बर्निंग सेंसेशन है, प्रिकिंग पेन होता है, सुई चुभने जैसी पीड़ा जिसको बोलते हैं उसको, और स्वेलिंग, इन चीजों को मेंटेन करके रखेगा। हेल्प टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड बाउल मूवमेंट, चव्य, इसके लिए चव्य अलग से मिलाएगा कि आपको डाइजेशन को भी इम्प्रूव करे, बाउल मूवमेंट को भी इम्प्रूव करे, और आपके जो भूख एपेटाइट को भी मेंटेन करके रखे। जैसे कि इसमें हमारे आप देख रहे होंगे साइड में बॉटल के चारों साइड से एक बना हुआ है, कि एक साइड से वो डाइजेशन को मेंटेन करके दे रहा है, एक साइड से आपको सिम्टम्स मेंटेन करके दे रहा है, एक साइड से आपको पेन से मुक्ति दे रहा है, और एक साइड से पाइल्स को भी कम कर रहा है। अब हम जब चारों चीजों को कम करते हैं तो अपने आप जो मस्सा है ना वो अपने आप पीछे हट जाता है, ऐसा नहीं कि हम मस्से में कुछ लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो मस्सा कम हो रहा है, आपने जड़ को ही काट दिया है, क्योंकि जड़ यही चीजें हैं, जड़ कॉन्स्टिपेशन है, जड़ स्ट्रेनिंग है, जड़ बॉयल मूवमेंट की कमी है, तो ये चीजें ही हट जाएंगी, आपका मोशन स्मूथ आने लगेगा, तो पाइल्स होने का चांसेस ही खत्म होने लगते हैं। इसके बाद हम बात करें कि इसकी और इंफॉर्मेशन में क्या है, तो सिम्टोमेटिक कंट्रोल, जैसे किसी को पाइल्स होता है तो उसमें भी आप दे सकते हैं, किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन है या फिर बहुत ज्यादा जितने भी कॉजेज हैं उससे एसोसिएशन है और कॉन्स्टिपेशन है तो हम यूज कर सकते हैं, किसी को प्रॉपर पाइल्स हो चुका है उसको यूज कर सकते हैं, पाइल्स हो चुका है उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि ना रिलैप्स ना हो पाइल्स, उसके बाद भी यूज कर सकते हैं। अब
कई बार क्या होता है, जैसे कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या फिर किडनी की डिसऑर्डर या प्रेग्नेंट वुमेन है, उनमें हम सिर्फ सोच समझ के देंगे, उसमें आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं 2:30 से 5:30 अवेलेबल हूँ, हम एक बार ही डिस्कस करेंगे और फिर हम डोसेज अपने आप से डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर ऐसा लगता है कोई नॉर्मल पेशेंट है, हाँ प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा ऐसा लग रहा है, तो आप उसमें बिल्कुल 2 टेबलेट 2 से 3 बार दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। अगर 1 या 2 मस्से हैं तो आप 2 टेबलेट दिन में 2 बार दीजिए, अगर लग रहा है कि ज्यादा मस्से हैं, 3 4 मस्से हैं, तो 2 टेबलेट दिन में 3 से 4 बार भी दे सकते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे तो आगे बातें समझ में आते जाती है। यहाँ पर हमारा फाइल्स का ये तो पर्टिकुलर स्लाइड्स खत्म होती है, मैं कुछ चीजें और एडअप कर देता हूँ। जब भी हम फाइल्स की ट्रीटमेंट के लिए जाएं या किसी को हम सजेस्ट करें तो उसके साथ इसका व्हीकल भी डिसाइड करें। जैसे ब्लीडिंग हो रही है तो इसको मक्खन के साथ में दें या फिर इसको मलाई के साथ में दें, है ना। अगर ऐसा लग रहा है कि उसका डाइजेशन ही अच्छा नहीं हो रहा है तो शहद के साथ दे सकते हैं या गर्म पानी के साथ दे सकते हैं। किसी को लगता है पेट फूला फूला, ज्यादा पेट फूला फूला रहता है और मोशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उसको गर्म पानी के साथ में दे, तो ऐसा आप ना अल्टर करके दें। और जब भी गो फाइल्स दें तो उनको सिड्स बाथ जरूर कराएं। सिड्स बाथ होता है एक बड़ा सारा टब लेना होता है, उसमें आप कुनकुना पानी डालेंगे जितना आप सह सकते हैं, उसमें 1-2 चुटकी आपने हल्दी के डाल दी, 1-2 ड्रॉप तेल का डाल दिया, या उस एनालिजन पे तेल को अप्लाई करके आप बैठे और मूल बंध लगाना होता है। जब हम बैठते हैं ना तो ऊपर खींचना होता है एनागुदा द्वार से, तो वो एक सेकाई जैसा हो जाता है, सीड्स बाद इसको बोला जाता है। तो ये भी करने से अच्छे रिजल्ट आते हैं। जब भी पाइल्स के पेशेंट को आप पैथोलॉजी बनती है आप दवाई देंगे तो उनको आप डाइट प्रॉपर फॉलो करें, उनको उपमा दलिया खिचड़ी दाल रोटी ऐसी डाइट्स दें, फाइबर्स दे जाना जिसमें भी जिस जो भी चीज फाइबर उनको ले सकते हैं, वो उनको लगता है कि मैं कंज्यूमेबल है या वो पसंद करते हो वैसे फाइबर्स दें, जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। और अगर कुछ डाउट होता है तो बिल्कुल मुझसे बात करिए, मैं 2:30 से 5:30 अवेलेबल हूँ। यहाँ पर ही हमारा पूरा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। लास्ट स्लाइड में कमर्शियल से उसको भी शेयर कर देते आप। जी बिल्कुल बिल्कुल उसमें हमारा एमआरपी एमआरपी है, उसमें हमारा डीपी है, उसमें पीवी और बीवी भी है सर। हाँ, 1 मिनट में शेयर कर लास्ट देता हूँ। स्लाइड में हमारा कमर्शियल से है। सर मेरी इस पीपीटी में नहीं है ओके, इसमें नहीं है, ठीक है सर, रहने दीजिए। थैंक यू जी। सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिला डॉक्टर साहब। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूंगा कि सर ने, करीब हम लोग 217 लोग हैं और सर ने जिस तरह से हम लोगों को ट्रेनिंग दिया, और मैं आपको सर डिटेल्स बताना चाहूंगा कि अभी मैं जहां जहां से आ रहा हूँ वहां पे मैंने गो पाइल्स को, ये जो जादुई डब्बा है जो मैंने लॉन्च करने की, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं कि आपकी तरफ मैं बोल सकूं, लेकिन इस प्रोडक्ट को मैंने लॉन्च किया है। जो भी थोड़ा बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन गेन किया था, और मैं यही बता रहा था कि ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये टैबलेट नहीं है, ये कोई डब्बा नहीं, ये पैकेज है। ये मैनेजमेंट किसी है बीमारी, इस बीमारी में इतनी तकलीफ होती है, उठना बैठना नहीं होता, और ये एक ऐसी बीमारी है सर जो कि हम लोगों को बता भी नहीं सकते, क्योंकि लोग इसको बताना भी नहीं चाहते भाई कि मुझे ये बीमारी है। लेकिन मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो भी लोग मेरी बात सुन रहे, डॉक्टर सर आप भी, कि कुछ पेशेंट्स मेरे पास आए थे, कल मैं हैदराबाद में था वहां पे भी आए थे, और मैंने बरीपदा में भी उसको लॉन्च किया था, तो ये प्रोडक्ट लोगों ने बहुत ही सराहा है, और क्योंकि काफी अपने क्यूरियन के प्रोडक्ट काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद वो हमारे बीच में आते हैं, जो कि 110% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं। तो और सर आपने बिल्कुल सही कहा कि जितने भी हमारे डेजो में क्यूरियन के प्रोडक्ट हैं वो सब रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, एंड दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका कोई भी साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं नहीं है। होता है। सो थैंक यू सर, थैंक यू दीपेश सर, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों, एक बार फिर डे जो है में कारवा बन रहा है, परसों भोपाल में बहुत बड़ा इवेंट है, मैं चाहूंगा कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें, और जब भी इस तरह की प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो, आप सारे लोग इसका हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।